अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा 40 अवैध कॉलोनियों की लिस्ट जो जारी की गई थी, वह अयोध्या विकास प्राधिकरण के नगर आयुक्त उस लिस्ट को बताया फर्जी। विशाल सिंह ने भी कहा कि इस तरह की कोई भी लिस्ट नहीं जारी की गई है। विकास प्राधिकरण से जो ये लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वह पूरी तरह फर्जी है। इसकी जांच कराई जाएगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा कोई भी सूची जारी नहीं की गई है। कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। प्रारंभिक जांच हुई है। जांच की जो सूची है उसको कतिपय लोगों ने लीक किया है, जिसकी जानकारी मुझे भी हुई है। कल के ही दिन में जो लिस्ट बनी है, उस लिस्ट पर जो संबंधित प्रवर्तन के जेई हैं उनको निर्देश दिए गए हैं, वो क्षेत्रीय स्तर पर जाएंगे, जाँच करेंगे और कार्यवाही होगी। इसमें किसका नाम डालकर कौन सी लिस्ट जारी कर दी गई, इसकी तो बिना कार्रवाई के बाद भी बिना इसको अवगत नहीं कराया जा सकता। कल भी हमारे साथ बहुत सारे मीडिया के बंधु थे जो मिले थे, और उनसे बात हुई थी। मैंने बताया था कि हम लिस्ट बनाएंगे, जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। अयोध्या के सुनियोजित विकास के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार से किसी मानिंद राजनीतिक व्यक्ति की जो छवि धूमिल करना ना उद्देश्य होना चाहिए, ना ये उद्देश्य है। जांच होगी और सबके सामने आएगी जो लिस्ट कार्यवाही। जो 40 लोगों की लिस्ट है वो टोटल फेक है, फेक है या नहीं है ये जांच के बाद ही बताया जा सकता है। और जांच अभी अयोध्या विकास प्राधिकरण का आंतरिक मामला है। ये जांच के आदेश दिए गए, कौन जांच कर रहा है इसमें? जिसमें प्रवर्तन के जेई है, जो पूरा विकास प्राधिकरण का क्षेत्र होता है, प्रवर्तन के जेई के बीच में बटा होता है। जो टाउन प्लानिंग से रिपोर्ट बनती है, उसके बाद प्रवर्तन के जेई उसकी जाँच करते हैं और जाँच के बाद कार्यवाही होती है रेरा के अंतर्गत। क्या ऐसी अभी लिस्ट वैसे बनवाई जा रही है जिन लोगों ने कब्जा किया? ये तो बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि अयोध्या के सुनियोजित विकास के लिए किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण, किसी भी प्रकार की अवैध कॉलोनाइजिंग, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कॉलोनाइजिंग की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार की जाएगी, ना कि सोशल मीडिया के माध्यम से। ये इत्तेफाक है कि कल 40 लोगों का नाम आया कि 40 लोग ऐसे चिन्हित किए जाएंगे, आपके द्वारा बताया जाए। ये जो लिस्ट जारी हुई उसमें भी लगभग 40 लोग हैं? लिस्ट कितनी है, क्या है, वो तो लिस्ट आपके पास जब हम जारी करेंगे तो सामने आ जाएगी। ये कहना कि अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा सूची जारी कर दी गई और जो छवि जाँच जो अयोध्या विकास प्राधिकरण ने एक लिस्ट जारी की है, उस पर आप कभी क्या कहते हैं? महाराणा प्रताप के कार्यक्रम में आया हूँ, तो हमारे नगर आयुक्त सर, क्या मामला है ये जो लिस्ट आप लोगों के द्वारा जारी की? कोई लिस्ट जारी नहीं, प्रारंभिक ना कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। प्रारंभिक जांच हुई है, जांच की जो सूची है लोगों ने लीक किया है, इसकी जानकारी कल के ही दिन में उस लिस्ट बनी है। उस लिस्ट पर जो संबंधित प्रवर्तन के जेई हैं उनको निर्देश दिए गए हैं, वो क्षेत्रीय स्तर पर जाएंगे, जांच करेंगे और कार्यवाही होगी। इसमें किसका नाम डालकर कौन सी लिस्ट जारी कर दी गई, इसकी तो फिर बिना कार्यवाही के बाद बिना इसको अवगत नहीं कराया जा सकता। कल भी हमारे साथ बहुत सारे मीडिया के बंधु थे, बात हुई, मैंने बताया कि हम लिस्ट बनाएंगे, जाँच करेंगे और कार्यवाही करेंगे। अयोध्या के सुनियोजित विकास के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार से किसी मानिंद राजनीतिक व्यक्ति की जो छवि धूमिल करना ना उद्देश्य होना चाहिए, ना ये उद्देश्य है। जांच होगी और सबके सामने आएगी जो लिस्ट। जो 40 लोगों की लिस्ट है वो टोटल फेक है, फेक है या नहीं है ये जांच के बाद ही बताया जा सकता है। और जांच अभी अयोध्या विकास प्राधिकरण का आंतरिक मामला है। ये जांच के आदेश दिए गए हैं, कौन जांच कर रहा है इसमें? जिसमें प्रवर्तन के जेई है, जो पूरा विकास प्राधिकरण का क्षेत्र होता है, प्रवर्तन के जेई के बीच में बटा होता है। जो टाउन प्लानिंग से रिपोर्ट बनती है, उसके बाद प्रवर्तन के जेई उसकी जाँच करते हैं और जाँच के बाद कार्यवाही होती है। क्या ऐसी अभी लिस्ट वैसे बनवाई जा रही है जिन लोगों ने कब्जा किया? ये तो बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि अयोध्या के सुनियोजित विकास के लिए किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण, किसी भी प्रकार की अवैध कार्यवाही की जाएगी। लेकिन कॉलोनाइजिंग की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार की जाएगी, ना कि सोशल मीडिया के माध्यम से। ये इत्तेफाक है कि कल 40 लोगों का नाम आया कि 40 लोग ऐसे चिन्हित किए गए, आपके द्वारा बताया गया। और ये जो लिस्ट जारी हुई उसमें भी लगभग 40 लोग हैं, कितने लोग हैं? लिस्ट कितनी है, क्या है, वो तो लिस्ट आपके पास जब जारी करेंगे तो सामने आ जाएगी। ये कहना कि अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा सूची जारी कर दी गई और जो छवि जांच हुई है उसमें कौन कल्पित है ये बताया थे, ये तो फेक डॉक्यूमेंट, ये तो मतलब गोपनीयता का गोपनीयता का उल्लंघन है ना? बिल्कुल, तो FIR कराएंगे गोपनीयता उल्लंघन, बिल्कुल कार्रवाई है, FIR करा रहे हैं, वापस में जाएंगे, नहीं करेंगे कार्रवाई की जाए। जी चला सुन लीजिए, रास्ता पानी हो जाए। आदरणीय विधायक जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम कराया, इसके लिए मैं फिर से पुनः बहुत बहुत हमारे संगठन की तरफ से किया जाए तथा
आदरणीय विधायक जी से, आदरणीय आयुक्त महोदय से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि तो लाइट लग जाएगी तो रात में भी लोग वहाँ दर्शन करने जाएंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस अयोध्या जिले में एक ऐतिहासिक गौरवशाली दिन अनावरण करके हम आप दोनों से, आप लोगों से ये संगठन जब भी जरूरत होगी वो भी सामाजिक धार्मिक हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे तन मन धन से। बिल्कुल कार्यवाही होगी, बिल्कुल कार्यवाही, बिल्कुल चिंता नहीं करें, कार्यवाही की जाएगी। वो देखिए मैं महाराणा प्रताप के कार्यक्रम में आया हूँ, जो हमारे नगर आयुक्त बताएंगे, बस मुझे ही कहना है।